समाजवादी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है उतने बड़ा घोटालेबाज है। यही श्री शिवपाल यादव जी हैं, यही प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं, यही श्री अखिलेश यादव जी हैं। समाजवादी पेंशन चलाया तब घोटाला किया, खनन घोटाला किया, साइकिल ट्रैक बनाया तब घोटाला किया, खाद्यान्न घोटाला किया और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला किया, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के नौजवान को नौकरी के नाम पर भी घोटाला किया। कौन सा घोटाला इन्होंने छोड़ा? और जो जितना जिसका जैसा इतिहास रहता है वैसे दूसरे को उस तरह समझता है। श्री शिवपाल यादव जी बता दे, घोसी की जनता में चार बार सरकार थी, कितने राजभर चौहान बिंद केवट मल्ला पाल प्रजापति को नौकरी दिया, कितने लोगों को हिस्सेदारी दिया, कितने लोगों को थाने पर सिपाही दरोगा बनाने का काम किया। आपको सब जब सरकार रहती है तो सिर्फ सिपाही के लोग नजर आते हैं और जब वोट लेना होता है तो घोसी की जनता नजर आती है। आपको याद होना चाहिए कि यही प्रोफेसर रामगोपाल जी हैं। भू माफिया का अगर सबसे बड़ा लिस्ट बनेगा तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का बनेगा, सबसे बड़ा घोटालेबाज का लिस्ट बनेगा तो उसमें श्री शिवपाल यादव जी का नाम बनेगा, सबसे बड़ा अगर लैपटॉप घोटाला करने का नाम श्री अखिलेश यादव जी का नाम दर्ज होगा। तो ये समाजवादी पार्टी घोटालेबाजों की पार्टी है, उनका इतिहास भी घोटाला से बड़ा फेरिस्ट लिस्ट बना हुआ है। तो इन्होंने आए, ये लोग आए हैं घोसी की जनता का विश्वास जीतने के लिए, घोसी की जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी और जो इन्होंने बीज बोया है नफरत का, जो इन्होंने गरीबों के साथ अन्याय किया है, अपनी सरकार में थाने पर मुकदमा नहीं हो दर्ज होने देते थे, लोगों के साथ प्रताड़ित करते थे, लोगों की जमीनें कब्जा करते थे। कौन सा ऐसा योजना चलाया समाजवादी पार्टी जिसमें घोटाला नहीं हुआ? तो जिसका जैसा इतिहास रहता है वैसा ही सबको वो समझता है। और समाजवादी पार्टी घोसी उपचुनाव में लाख मेहनत कर ले, लेकिन उसको घोसी की जनता का विश्वास नहीं हासिल हो सकता। आप पिछड़ों को अपमानित करेंगे, दलितों के साथ अन्याय करेंगे। आपने सरकार थी समाजवादी पार्टी की, माननीय कांशीराम साहब के नाम पर जो जिले थे उसका नाम बदला, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जमीन कब्जा करते हैं और पूरे दलितों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, बहन जी के साथ चीर हरण किया और उसके बाद भी कहेंगे कि हमें दलितों का वोट मिलना चाहिए।